टुडे टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। प्रस्तुत है टुडे टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। पंजाब और हिमाचल सीमा के साथ सटे गांव दबट, मझारी और ढेर में अब नशे के सौदागरों की खैर नहीं है। हिमाचल और पंजाब पुलिस मिलकर जल्द ही हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के क्षेत्रों में नशाखोरी के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसके तहत हिमाचल की सीमा के साथ सटे इन क्षेत्रों में नशे का अवैध कारोबार समाप्त हो और युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचा जा सके। हिमाचल और पंजाब पुलिस का पुलिस के आला अधिकारियों की एक इंटर स्टेट मीटिंग श्री नैना देवी के मातृ अंचल यात्री निवास में संपन्न हुई, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की और इस मौके पर पंजाब के रोपड़ जिला एसपी रविंदर सिंह और उनके साथ डीएसपी एसकेलो भी शामिल थे। इसके अलावा श्री नैना देवी के डीएसपी अनिल शर्मा और थाना कोर्ट प्रभारी योगराज सिंह भी इस बैठक में शामिल थे। नशीले पदार्थों एवं नशे पर काबू पाने के लिए आयोजित इस बैठक में जहां हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे सीमावर्ती क्षेत्रों पर हो रही नशे की तस्करी के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत है बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर के मझारी और दबट गांव, जबकि रोपड़ जिला के सीमावर्ती ढेर गांव में कई वर्षों से कच्ची शराब बनाने का अवैध कारोबार चल रहा है। पिछले 7 माह में हिमाचल पुलिस ने 15,000 लीटर कच्ची शराब इन क्षेत्रों से बरामद की है। ये लोग ड्रमों में शराब बनाते हैं और कच्ची शराब को पुलिस नष्ट कर देती है। आरोपी इसलिए बच जाते हैं कि वे भाग कर पंजाब सीमा में चले जाते हैं। देखिए, उसमें एक व्यक्ति को सब जानते हैं कि अरेस्ट किया गया है और आज हमने पंजाब पुलिस के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें उनके डीएसपी, एडिशनल एसपी, जो एसपी डिटेक्टिव है, वो बाकी मुलाजमान ही उपस्थित रहे और हम फ्यूचर में एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके और जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया जा सके। ਢੇਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮਝਾਰੀ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਢੇਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਮਝਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਠਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।